देश की सेना पर सवाल खड़े करने वाली, बात बात पर पाकिस्तान का राग अलापने वाली और कश्मीर मुद्दे पर सियासत से कभी पीछे न हटने वाली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जम्मू दौरे पर हैं। और इस बार भी उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी के साथ साथ भारत सरकार पर भी उनकी तरफ से सीधा हमला किया गया है। मुगलों का जिक्र करते हुए मुफ्ती ने एक सियासी वार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा मुगलों की बात करते हैं वो मुगलों की औलादे लगते हैं। इससे पहले भी इसी तंज अंदाज में महबूबा मुफ्ती कई सियासी हमले कर चुकी हैं। इस बार मुफ्ती ने कहा, जब कोई दुश्मन नहीं मिलता ये लोग मुगलों की बात करते हैं, मुसलमान मुगलों की बात नहीं करते हैं जितना ये लोग कर रहे हैं, जैसे उन्हीं की औलाद हो। जरा एक बात बताइए, बाप दादा का जिक्र कौन करता है? जो औलाद होती है वही ना। अब बीजेपी के कई ऐसे नेता सामने आ चुके हैं जिनकी तरफ से मुगलों को लेकर बयान दिए गए हैं। कई संवेदनशील मुद्दों में भी उनका जिक्र किया गया है। अब यही नहीं, इससे पहले भी भाजपा पर ही हमला करते हुए पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा था, बीजेपी ने अपने बहुमत को हथियार बना दिया है और देश के संविधान को तोड़ रही है। एकता कितनी हुई है ये नहीं पता, लेकिन तबाही बहुत हुई है। इसके अलावा जम्मू में हो रहे बुलडोजर कार्रवाई पर भी मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधा। उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर दी गई। उन्होंने कहा, अतिक्रमण विरोध के नाम पर हमारी जीविका छीनी जा रही है, हमारे यहाँ राज्य की अपनी भी एजेंसियां हैं, अब केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों में प्रतियोगिता चल रही है।